नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे, चुस्त दुरुस्त, मस्त, बिंदास, खुश और जिंदा दिल होंगे। आज दोस्तों आपको बताने वाले हैं, यदि आपकी मांसपेशियों में ऐठन बनी रहती है तो उनकी समस्याओं से दूर करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने मूंग की दाल की खीर का नाम सुना होगा, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन उपाय होगा। ठंड में ये आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। दोस्तों, हमारे देश में मीठा खाने का चलन बहुत ज़्यादा है और जब कोई भी त्यौहार होता है या फिर कोई भी फंक्शन होता है तो लोग मीठा जरूर बनाते हैं। मीठा की बात हो तो खीर, तो जाहिर सी बात है कि खीर खाने के लिए सब उतावले रहते हैं। और आपको बता दें, जब भी कोई त्यौहार होता है तो गुड़ या चीनी की खीर जरूर बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, आज आपको मूँग की दाल की खीर बनाने की विधि के बारे में जो आपको बताने वाले हैं, वो आपके शरीर में भी फायदा करेगी और आपके आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होगी। वैसे तो दोस्तों, ये कर्नाटक का बहुत फेमस डिश माना जाता है, लेकिन आपको बता दें कि जो है दोस्तों, आपके शरीर में पोषक तत्व और शरीर को कई तरह के लाभ भी होते हैं। दोस्तों, आपको इसकी बनाने की रेसिपी बता देते हैं। मूंग की खीर बनाने के लिए आपको चाहिए मूंग दाल आधा कप, या फिर भिगोई हुई मूंग ले लें आप, देसी घी यानी कि 1/4 कप घी ले लें, और काजू 10 से 12 ले लें, चावल भिगोए हुए और छाने हुए 1/2 कप चावल ले लें, तो कद्दूकस किया हुआ 3/4 कप ले लें, इसी हरी इलायची पाउडर 1/2 कप छोटा चम्मच ले लें, हरी इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच ले लें, और नारियल का दूध 1 कप ले लें। उसके बाद दोस्तों, मूंग की खीर बनाने की विधि आपको बता रहे हैं। एक गहरे नॉन स्टिक पैन में देसी घी गर्म करें, उसमें काजू डालें और हल्का सुनहरा होने तक उसे भूनते रहें। उसके बाद छान कर उसे प्लेट में अलग रख दें। और दोस्तों, कढ़ाही में जो बचा हुआ मूंग की दाल है और चावल डालकर उसकी महक आने तक उसको भूनते रहें। 2 कप पानी डालकर ढककर दाल और चावल दोनों के नरम होने तक उसे पका लें। उसके बाद दोस्तों, गुड़ डालें और पूरी तरह से घुलने दें। जब तक गुड़ घुल न जाए तब तक उसे हिलाते रहें। हरी इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें और दोस्तों, नारियल का दूध डालें और मिलाएं। इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाते रहें। उसके बाद एक बड़े सर्विस बॉयल में अलग अलग बॉयल में निकाल लें। भुने हुए काजू से सजा कर परोसें और सुपाच्य और न्यूट्रिशनल वैल्यू अधिक होने के कारण मूंग दाल बेहतर होती है। दोस्तों, यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होगा ही, और वयस्क जो हैं उनके बॉडी को गेन करने में बहुत ज़्यादा फायदा भी देगा, और सर्दी को जो सर्दी इसमें बहुत तेज़ हो रही है उसको दूर करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आए ये रेसिपी, आप बढ़िया से देख सकते हैं और तैयार करके आप खा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका हृदय से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।